यूरिया निम्नलिखित में से किस यौगिक में घुलनशील है? पानी, इथेनॉल, ग्लिसरॉल या ऊपर के सभी? सही जवाब है ऊपर के सभी। निम्नलिखित में से किस में नाइट्रोजन का 46% होता है? यूरिया, नाइट्रो चूना पत्थर, सुपरफॉस्फेट या एनपीके उर्वरक? और सही जवाब है यूरिया। निम्नलिखित में से किसे नाइट्रो चूना पत्थर कहा जाता है? यूरिया, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, सुपरफॉस्फेट या ट्रिपोफॉस्फेट? और सही जवाब है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। क्यों सफेद फास्फोरस लाल फास्फोरस की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है? प्रज्वलन की वजह से, रंग बिंदु के कारण, संरचना की दृष्टि से या इनमें से कोई भी नहीं? और सही जवाब है संरचना की दृष्टि से। निम्नलिखित में से किसे कार्बामाइड के रूप से भी जाना जाता है? यूरिया, एनपीके उर्वरक, नाइट्रो चूना पत्थर या इनमें से कोई भी नहीं? और सही जवाब है यूरिया। रासायनिक प्रक्रिया जिसके द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन को रासायनिक और जैविक क्रिया के माध्यम से संयुक्त रूप में परिवर्तित किया जाता है? नाइट्रोजन का निर्धारण, नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन का द्रव्यीकरण या नाइट्रोजन की गैर अभिक्रियाशीलता? और सही जवाब है नाइट्रोजन का निर्धारण। पानी की अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के नाइट्रेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम और फॉस्फोरस के सल्फेट्स? और सही जवाब है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जा सकता है? आयन एक्सचेंज कॉलम, उबलने की प्रक्रिया, चूने का नरम होना या इनमें से कोई भी नहीं? और सही जवाब है आयन एक्सचेंज कॉलम। पानी की स्थायी कठोरता किसके कारण है? सल्फेट्स यौगिक, क्लोराइड, नाइट्रेट्स और कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, कैल्शियम और पोटेशियम के नाइट्रेट या इनमें से कोई भी नहीं? और सही जवाब है क्लोराइड, नाइट्रेट्स, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट। हमारे अन्य वीडियो भी देखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और बेल आइकॉन दबाइए।